हजरत, ईमान किसे कहते हैं? ईमान कामिल मोहब्बत का नाम ईमान है, कामिल मोहब्बत का नाम ईमान है। बुखारी शरीफ की हदीस आपने उलमा की जबानी मुतअद्दद मर्तबा सुनी होगी, जिसमें फरमाया गया कि तुम्हारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक तुम मुझे अपनी जान से, अपनी माल से, यहां तक दुनिया के तमाम इंसानों से भी ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करने लगो, मुझसे प्यार न करने लगो, तुम्हारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता। तो मोहब्बत का नाम, कामिल मोहब्बत का नाम ईमान है। एक शख्स बारगाह रिसालत नाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होकर सवाल करता है कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कयामत कब आएगी? सवाल किया जा रहा है मेरे और आप सबके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कयामत कब आएगी? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पलट कर सवाल किया कि तुमने कयामत के लिए क्या तैयारियां की हैं? वो शख्स कहता है या रसूल अल्लाह, मेरे नामाया माल में बहुत ज्यादा तो इबादतें नहीं, बहुत ज्यादा तो नमाजें नहीं, बहुत ज्यादा तो रोजे नहीं, बहुत ज्यादा तो मुजाहिदे नहीं है, लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम जिससे मोहब्बत करते हो, कल कयामत के रोज तुम्हारा शुमार, तुम्हारा साथ उसी के साथ होगा जिससे तुम मोहब्बत करते हो। तो कामिल मोहब्बत का नाम ईमान है, और एक चीज मोहब्बत होती है और एक चीज इश्क होती है। एक चीज इश्क होती है, इश्क किसे कहते हैं? इश्क कहते हैं उस आग को दिल में जलने वाली, उस आग को जो आग अपने महबूब के मासिवा की मोहब्बत को जलाकर खाक कर देती है, उसको इश्क कहते हैं।